तो झारखंड सरकार की ओर से नियोजन नीति को वापस लिए जाने के बाद कई तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर कई अभ्यर्थी अब अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह ले रहे हैं। पंचायत सहायक अभ्यर्थी और लगभग मेरिट लिस्ट तक आ चुके थे, बावजूद इसके नियोजन नियुक्ति रद्द होने से उनकी पूरी मेहनत अब बर्बाद हो चुकी है। नियोजन नीति रद्द होने से बहुत ही नुकसान हुआ है उन लोग का। एक जो तैयारी होता है ना, एक स्किल लेवल, वो टूट जाता है, फिर उसको नए सिरे से उसको तैयारी करना पड़ता है। और तो और ये वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी इसका भी उनको कोई आइडिया नहीं रहता है। तो इस नियोजन नीति से बहुत ही नुकसान है। जो मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे थे उन पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उन लोगों का जॉब लगने वाला था। मेरिट लिस्ट में मैं मानता हूँ कि जितना सीट था वही उतना ही सिलेक्ट होते, लेकिन उतना लड़कन का भविष्य अंधकार में गया। लेकिन सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, दूसरी पहलू देखा जाए, वैसा कैंडिडेट जो इस नियोजन नीति गलत बनाने की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए अपने मनचाहा जगह, या फॉर्म भरते वक्त ही बाहर हो गए, उन लोगों को फर्स्ट टाइम ही अन्याय हुआ था। मतलब हम स्टूडेंट ऐसे पड़ाव में ला के खड़ा हो गए हैं, अगर नियोजन नीति को सही बोलते हैं तो संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत हम हैं, और अगर अभी रद्द करना बोलते हैं तो मानवता के नाते गलत हैं। पहला बात तो ये है कि पंचायत सचिव का मेरिट लिस्ट बना नहीं था, और जो भी 5100 बच्चे या 5000 बच्चे लगभग थे, उनमें से 3000 को लगभग नौकरी लगता, उसमें जो भी थे, हम थे या कोई और भी था, उसमें 3000 को लगता और बाकी तो बाहर होते। लेकिन वो 3000 बच्चे भी अब नौकरी में नहीं रहेंगे, नियोजन नीति में जो विज्ञप्ति है उसको सरकार वापस ले लेती है।